मॉम सैम यही थी, इसने उसे यही छुपाया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं भी यही बेहोश हुई थी। इसने जरूर से कहीं छुपा दिया। मॉम यही थी सैम। ओ क्या ही तमाशा लगा रखा है, इस पागल लड़की को यूं ही छोड़ रखा है, नशा वशा करती है ये कहीं। हेलो, और आप पुलिस वाले क्या ये तमाशा देखने के लिए खड़े हुए? एक्चुअली मेरी जो कज़न है सैम, वो किडनैप हो चुकी है एंड देयर इज़ अ हाई प्रोफाइल मैन बवेजा करके, तो वो उसको गंदी इरादों से वो उसको अपने घर में किडनैप करके रख लेता है। एंड देन मैं ऑल द प्लॉटिंग से मैं वहाँ पे बाई बन के गई एंड आई फिगर्ड आउट कि सैम उसी के घर में, और अब मैं सब पुलिस वालों को लेके अपने हस्बैंड को लेके अपनी मॉम को लेके आई। तो सैम वंस अगेन यहाँ पे नहीं है, तो फिर उसे कहीं छुपा देते हैं बिकॉज इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। तो अब इसी पूरे उसके चक्कर में सिद्धार्थ को भी पुलिस ले जाती है, अब पूरा वही पुलिस स्टेशन एंड वहाँ का चक्कर, उसे बेल करवाओ और सैम को ढूंढो। सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग राइट। हमारे घर में पुलिस आती जाती रहती है, बट इन दिस केस आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि एक यू नो अ मैन हु इज़ एक्चुअली एडवांस्ड इन हिज इयर्स, एक बुज़ुर्ग आदमी, एक मतलब एक काफ़ी पवर्ट किस्म का इंसान जो है हमारे घर में एक लड़की के ऊपर उसने ख़राब नज़र डाली है, और ऐसा करने के बाद डेफिनेटली द फैमिली कम्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट द गर्ल। तो ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक, और आजकल हमारे समाज में भी इस तरीके की घटनाएं बहुत उभर करके सामने आ रही हैं। सो आई होप दैट यू नो गर्ल्स अक्रॉस द नेशन ऑल्सो फील यू नो आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड इन देयर वेरियस डोमेन्स एंड दे टेक केयर ऑफ वो कहाँ काम कर रही हैं और किस तरीके के लोगों के साथ काम कर रही हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू परक्यूलेट। मेरे पास सिद्धार्थ खुराना को अरेस्ट करने के पेपर्स हैं, ये लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप तो ले जाइए इन गुंडों को। उसका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, और इसके बहाने उसके घर की चाबी मैं डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए आई जस्ट टेक दैट साबुन में जो भी आप करते हो, तो दैट्स हाउ मेक दैट की। सो ऑल द लिटिल थिंग्स यू नो इन माय हेड सो दैट आई कुड रीच टू सैम। मतलब चाहे करीब आए या ना आए वो दूसरा मुद्दा है, बट दे विल डेफिनेटली कम टुगेदर टू सॉल्व दिस यू नो। तो उस मतलब उस लेवल पे सब सारा परिवार एक साथ है, अपने आपसी मतभेद और डिफरेंसेस जो है भुला करके दे आर ट्राइंग टू गेट दिस ईविल आउट ऑफ देयर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, बबे आबू नहीं है।